हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022, आपका जो है 7 अक्टूबर का रियल पेपर। जी हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर का पेपर हो गया आपका क्या वायरल? जी हाँ दोस्तों, 100% मेरी गारंटी है आपका 7 अक्टूबर का पेपर हो गया वायरल, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022, कक्षा 10वीं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10वीं विषय इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश विषय अंग्रेजी, पेपर हो गया आपका वायरल। जी हाँ दोस्तों, 75 में से 75 का करके आएंगे आप पेपर, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022, 75 नंबर का आपका पेपर होगा। वीडियो देखने के बाद आप 75 में से 75 का पेपर करके आएंगे, 100% मेरी गारंटी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा 2022, कक्षा 10वीं, क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश विषय अंग्रेजी, आपका 100% 75 नंबर का पूरा पेपर करके आएंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, वीडियो के सभी प्रश्नों को आप नोट करके इनके आंसर आप याद करके जाएंगे, 100% है आपका रियल पेपर। तो बिना देरी करें हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास आ चुकी है पूरी पीडीएफ। जी हाँ दोस्तों, पूरी पीडीएफ आ चुकी है आपकी कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022, पूरी पीडीएफ आ चुकी है आपकी। तो बिना देरी करें पहले तो आप यहाँ पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है तुरंत लाइक कर दें। हम आपके लिए मेहनत करके कर रहे हैं, आपको आपके लिए कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा का पूरा पेपर लेकर आए हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत आप लोग चैनल को, वीडियो को जल्द से लाइक करें, गर्दा उड़ा दीजिए, आप पेपर में आपका हो चुका है पेपर वायरल। तो चलिए हम देखते हैं सीधा आपका पूरा प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो है कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022 विषय अंग्रेजी, आपका पहला पेपर 7 अक्टूबर का अंग्रेजी का है। इसमें सेक्शन ए है रीडिंग, सेक्शन ए रीडिंग पेपर हो गया कि आपका वायरल, वायरल हो गया अभी अभी जो है पेपर वायरल हो गया, 100% रियल पेपर है आपका, अभी अभी जो है पेपर वायरल हो गया है। तो यहाँ पर आपको जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो देम। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो है ये आप देखिए पूरा पैसेज आपको दिया गया है इतना, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है केयरफुली, ठीक है, और इसको जो है अच्छे से पढ़ के जो है इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए रहे हैं। देखिए आप इसको यहाँ पर, ये जो है आपका पूरा पैसेज है, आपका पैसेज पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आपको पहले तो इस पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर नीचे आपको जो है यहाँ पर देखिए, आपको नीचे कुछ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके पैसेज के ही क्वेश्चन हैं, तो आपको इनको अच्छे से देख कर इनके सही ऑप्शन पर टिक करके आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर आपका सेकंड है, हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। फिर थर्ड है, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फ्रॉम। फिर द टीचर इज ऑफ JRC इज नो एस, ठीक है। फिर इसके बाद जो आपका पैसेज नंबर टू है, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका पैसेज है। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही करना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 5 आपके क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, आपके 5 जो है क्वेश्चन हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट एंड ऑन देम ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू देम। तो आपको यहाँ पर देखिए पूरा ये जो है पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है अच्छे से, और इसका जो नोट्स और टाइटल आपको बनानी है। तो इसकी जो है विथ सॉल्यूशन में वीडियो आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, अगली वीडियो में फुल सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन 4 है, आर यू अरुण त्रिपाठी रीडिंग इन क्लास 10th गवर्नमेंट हाई सेकेंड हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। तो इस क्वेश्चन में आपको एक जो एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल सर को ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, क्योंकि आपके जो पिताजी उनका ट्रांसफर कहाँ हो गया है, भोपाल में हो गया है। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है, 4 नंबर की जो है ये आपकी एप्लीकेशन आने वाली है। तो आप इन क्वेश्चन को जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर 100% 100% यहाँ पर देखिए आपका ये पेपर 100% आपका त्रैमासिक परीक्षा 7 अक्टूबर को यही पेपर देखने वाले हो। पछताओगे आप लोग अगर आप इस पेपर को नहीं देखे जाओगे, जब आप पेपर देने जाओगे तो यही पेपर मिलेगा आपको, 100% मेरी ये गारंटी है। तो वीडियो को तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पर आपका और मैं है, और यू आर राकेश मिश्रा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मनीष इनवाइटिंग हिम अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। तो आपको अपने दोस्त के लिए एक लेटर लिखना है जिसमें आप अपने दोस्त को जो है उसकी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट कर रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन ऐसे, आपको इसमें ऐसे लिखना है इन कोई टॉपिक पर 150 वर्ड में। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, सीधे 5 नंबर पकने वाले हैं आपकी इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये वाला याद कर लेना है, 100% ही आपका आता ही आता है ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का हो जाएगा, और ये आपको याद भी होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। तो आपको ये जो है 3 नंबर का प्रश्न है, सबसे आसान है। आपको यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी जाएगी, एक फोटो दी जाएगी, इसको देखकर आपको जो एक पैराग्राफ लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर। तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ना ज़्यादा कुछ लिखना है, यहीं पिक्चर में दिया गया, फोटो में दिया गया, इफ़ यू कट
यू इफ नहीं इफ यू कट अ ट्री यू कट योर लाइफ, आपको नथिंग कट ए ट्री, यहाँ पर ट्री से आपको जो है पूरा यहीं पर लिखा है, सब कुछ आपको यहीं पर पिक्चर में दिया जाएगा आपको। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ पर जो ब्लैंक जो खाली स्थान है उनमें आपको इनमें से कोई भरने हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिए रहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो है इनको हम देख लेते हैं। पहला है ही नोस द बॉय ब्लैंक इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। फिर हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल, एन नहीं ए एन द, तो आपको कोई एक चुनकर लिखना है। तीसरा है देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। फिर फोर्थ है ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। पाँचवा है ब्लैंक आई टेक योर पेन। छठवा है बी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल। तो यहाँ पर आपको पूरे जो है दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो है ये ऑप्शन दिए गए हैं। और फिर इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है डू इज डायरेक्टेड, इसमें जो है ये आपकी चार हैं। ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इन टू नेगेटिव। फिर इसके बाद सेकेंड है दे आर सीलिंग देयर हाउस। फिर थर्ड है सी स्पीक्स द ट्रुथ। फिर दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग चेंज इन टू द सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इसके बाद डू इज डायरेक्टेड के बाद यहाँ पर फिर है पाँचवा है ही टीच इंग्लिश चेंज इन टू सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है। फिर छठवा है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस चेंज इन टू, इसको भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। और फिर सातवा है, सातवें में क्या करना है, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो आपको इसको रीअरेंज करना है, इनको अच्छे से मिलाकर जो है इसको राइट बनाना है। फिर इसके जो है सभी आंसर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है, डू एस डायरेक्टेड की। फिर यहाँ पर टेक्सुअल में से आ जाएगा आपका, अ लेटर टू गॉड में से आ जाएगा हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। सेकेंड में है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेसन अ लेटर टू गॉड। तीसरा है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट मास्टर ऑफ हिस एम्प्लॉयज। फिर फोर्थ है हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। फिर इसके बाद पाँचवा है, यहाँ पर पाँचवा है हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। फिर छठवा है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन ब्लैंक, तो आपको इनमें से जो है राइट हो उसको चूज़ करना है। फिर सिक्स है फील्ड लुक, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7 8 ये हो गया 9। और इसके बाद जो है 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है तो आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 10वीं का हम बी वाला देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो आपको इसको जो पूरा पैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस पूरे पैसेज को पढ़ लेना है, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर दे देने हैं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए पूरे पैसेज को और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर